क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं, मोनोकोट और डाइकोट को। ये मेनली सीड के बेसिस पे और लीफ वगैरह में जो डिफरेंसेस थे उस बेसिस पे था। तो अब आप अच्छे से फोटो देख सकते हैं पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कितना होता है। इसमें जो है एक कोटिलेडन होता है मोनोकोट में, और डाइकोट में कैसे हैं, दो कोटिलेडन है। और क्या होता है, इसकी जो लीफ होती है मोनोकोट की, इसमें पैरेलल वेनेशन होती है। पैरेलल वेनेशन मतलब इनकी जो वेन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, जैसे मक्के वगैरह के लीफ को आप ध्यान रखिएगा, मेज वगैरह के। और डाइकोट वाले में क्या है, इसमें रेटिकुलर वेनेशन होती है, मतलब वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, ये देखिए कुछ ऐसा। तो आप लीफ देख के पहचान जाएंगे ना प्लांट को, मोनोकोट है कि डाइकोट। और जो है इनकी रूट जो होती है मोनोकोट की, ये फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट मतलब स्टेम से छोटी 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 रूट ऐसे निकलती हैं। लेकिन डाइकोट में क्या है, स्टेम से जो है एक मेन रूट, टैप रूट निकलती है, फिर उससे जो है छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं, तो टैप रूट एक मिडिल में होगी, तो ध्यान रखिएगा। अब जो है मोनोकोट में क्या है, कैम्बियम सेल जो है वो अब्सेंट होती है, और डाइकोट में कैम्बियम सेल प्रेजेंट होती है। कैम्बियम सेल ही जो है रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और सेकेंडरी ग्रोथ पता है ना आपको, इसी के कारण प्लांट जो है वो थिकर होता है और वाइड होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में एब्सेंट होती है और डाइकोट में प्रेजेंट होती है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्या है, वैस्कुलर बंडल्स जो हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये अरेंज कैसे होते हैं। तो मोनोकोट में ऐसे स्कैटर्ड रहते हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं वहां डायग्राम में। लेकिन डाइकोट में जो है वो रिंग के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और कैम्बियम सेल भी आप डायग्राम में देख सकते हैं वहां पे है। तो ऐसे ये अरेंज रहते हैं इसके जाइलम और फ्लोएम, कुछ ऐसे रिंग के फॉर्म में, और मोनोकोट के जो हैं वो स्कैटर्ड में रहते हैं। तो जब आप क्रॉस सेक्शन करेंगे तो भी आप प्लांट को पहचान जाएंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट के क्या हैं एग्जांपल, जैसे ग्रासेस हो गए, कॉर्न हो गया, वीट हो गया। डाइकोट के क्या हैं, सनफ्लावर हो गया, रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉटन हो गया, एटसेट्रा। तो चलिए अब आप क्लासिफिकेशन ध्यान रखेंगे ना।